हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैकल्टी चैनल। दिस इज़ कुसुम पेन्यूली और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, जिसको हम RTE भी बोलते हैं। एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2009। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द वीडियो। टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस आर अबाउट व्हाट इज राइट टू एजुकेशन, इसका राइट टू एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, फीचर्स क्या हैं राइट टू एजुकेशन के, और इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज राइट टू एजुकेशन, है क्या राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड इट केम इनफोर्स्ड इन द ईयर 2009 अंडर फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 21A में बताया गया है। नाउ व्हाई राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज इट सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो एंश्योर करता है दैट हर एक बच्चे को राइट है ऑफ हिज एंड हर, दे हैव देयर राइट टू गेट क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। हर एक बच्चे को इस कंट्री में क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, देयरफॉर राइट टू एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका, कहाँ से इससे रिलेट किया गया राइट टू एजुकेशन को, कैसे ये फंडामेंटल राइट बना, ये सब हम देखेंगे। ओरिजिनली पार्ट फोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर के आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 39F में, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था दैट स्टेट फंड करेगा, स्टेट एजुकेशन के लिए फंड करेगा, जिससे कि उनको इक्विटेबल और एजुकेशन को असेस कर सकें बच्चे इक्वली, जो ऑल ओवर कंट्री जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया है, जो राइट टू एजुकेशन के तहत आ रहा है, वो सब वो एक्सेस कर सकें। फर्स्ट इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था वो रामामूर्ति कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो 1990 में दी थी उसमें मेंशन किया था। आफ्टर दैट 86th अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट जब हुआ था इन द ईयर 2002, वहाँ ये प्रोवाइड किया गया था राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखें इससे पहले स्टेट से रिलेटेड जो आपने यहाँ पर देखा पार्ट फोर में था, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था स्टेट पॉलिसी का, लेकिन 86th अमेंडमेंट में इसको पार्ट थ्री में के अंदर डाल दिया गया और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अगर आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री में इंक्लूडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री इज अबाउट फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। अब सेम इसमें अमेंडमेंट किया गया इसी 86 अमेंडमेंट में, आर्टिकल 21A को इसमें में डाला गया और इसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, जो कि आप जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के बीच के हैं उनको इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। देन 86 अमेंडमेंट ने ये प्रोवाइड किया कि फॉलो अप होगा लेजिस्लेशन का, जो कि राइट टू एजुकेशन बिल 2008 में आया और फिर इसको फाइनली एक्ट बना दिया गया, दैट इज नाउ इट इज नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो आपका 2009 में एनफोर्स हो चुका है। सिंस देन राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट, और ये एक एक्ट बन चुका है थ्रू ऑल द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ दिस RTE एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें ये प्रोवाइड करता है दैट प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी उनको मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के जितने भी बच्चे हैं। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21। ये मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन जितने भी डिसएडवांटेज सेक्शन रहे हैं हमारे कंट्री में, लाइक SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस, ये जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, लाइक यू कैन सी हियर SC, ST, सोशली बैकवर्ड हो गए आपके, डिफरेंटली एबल्ड जो भी सेक्शंस हैं, उन सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और हर प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में 25% रिजर्वेशन इनके लिए कंपलसरी हो गया है। इट ऑल्सो
makes provisions for non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. जितने भी non-admitted child हैं उनको भी admission मिलना compulsory हो गया है. ये state करता है कि जितना भी financial responsibility है free education देने के लिए वो central और state दोनों की responsibility है. That means it is union and as well as of state government. That means it is coming in your concurrent list. ये प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिशन है इसमें दैट डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क और जितने भी बाकी अदर दैन डिसेंशियल सेंसस, दैट मींस जो सेंसस की काउंटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं लोकल अथॉरिटी के और स्टेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के और जितने भी डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके अलावा बाकी सारे वर्क से टीचर्स को डिप्लॉय रखेंगे. दैट मीन्स दे जितने भी नॉन एजुकेशनल वर्क है इन जो ये मेंशन करें इनके अलावा उनमें टीचर्स को पार्टिसिपेट नहीं करना है. नाउ इट लेस डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू, क्या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उसमें, प्यूपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए और टीचर्स कितने होने चाहिए. इसमें आपका प्राइमरी में आपका 30:1, दैट मीन्स 30 स्टूडेंट्स एंड वन टीचर, और आपके जो अपर प्राइमरी क्लासेस है उसमें 35:1, दैट इज फॉर एवरी 35 स्टूडेंट वन टीचर इज कंपलसरी. देन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, स्कूल वर्किंग डेज कितने होंगे और टीचर वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये सब उसमें प्रॉपरली मेंशन है आपके आरटीई एक्ट में. इसमें एक और क्लॉज था नो डिटेंशन पॉलिसी वाला, जो अब रिमूव कर दिया गया अंडर द राइट of children to free and compulsory education 2019 में. No detention policy ये था कि class 8th तक के जितने भी बच्चे हैं उनको आप fail नहीं कर सकते, you have to promote them to the next class. But इस provision को इन्होंने, इस clause को, इस act में ये जो clause था इसको 2019 में इसको remove कर दिया गया है. ये प्रोवाइड करता है टीचर्स अपॉइंटमेंट विद रिक्विजिट एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. जितने भी उनकी क्वालिफिकेशन और जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी है उस बेसिस पे ही आप टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. इट प्रोहिबिट्स, क्या चीज़ों को इसमें प्रोहिबिट किया है, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट. टीचर्स स्कूल किसी भी कुछ भी हो जाए दे कैन नॉट फिजिकली पनिश देम और कोई मेंटल हरासमेंट नहीं होगी बच्चों की. स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन ये नहीं होगा, कोई स्क्रीनिंग मींस टेस्ट नहीं होंगे एडमिशन के लिए. कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे, जो स्टार्टिंग में फीस लेते हैं फॉर एडमिशन फीस जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं फीस. प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स नहीं दे सकते हैं और जो स्कूल्स, रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, जो भी स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइज नहीं है किसी भी अथॉरिटी से, वो इन सब पॉइंट्स को प्रोहिबिट किया गया है. इट फोकसेस ऑन मेकिंग चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. दैट मींस ये जितने प्रोहिबिशन दिए हैं जिसमें फिजिकल पनिशमेंट है, मेंटल हरासमेंट नहीं होगा, इससे ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चे फियरलेसली पढ़ सकें, उनको कोई डर ना हो कि हमें यहाँ मार पड़ेगी, स्कूल जाने से ना कतराएं. जैसे बच्चे ज़्यादातर स्कूल इसलिए जाते थे कि टीचर्स मारेंगी, होमवर्क नहीं हुआ है, प्रॉपरली काम नहीं करा है, दिस एंड दैट. बट नाउ दीज थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड, प्रोहिबिट कर दी गई, सो दैट बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं और अच्छे से पढ़ें विद हैप्पी फेसेस, विद गुड जेस्चर्स एंड ऑल. एंड सारी जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो गई है. नाउ लेट्स कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड. आरटी 2009 एक्ट कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये आरटी एक्ट है. सो हमने अभी पढ़ा, अच्छा इट इज़ आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 35. सो इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंक्लूडेड होता है. सो हेंस ये दो तो आपके ऑलरेडी कट हो गए, बट दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर. आर्टिकल 21 इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके नाउ
अकॉर्डिंग टू द एक्ट चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. कौन सी एज के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट. 7 years to 14 years, अप टू 14 years, 6 years to 14 years या फिर अप टू 10 years. Here the correct answer is your 6 to 14 years. So 6 to 14 years आपका correct answer है. And ये आप ये मैंने आपको सर्व शिक्षा अभियान के वीडियो में भी बताया था. ये सब interlinked हैं, ये सारे जितने भी हैं interlinked हैं. अच्छा, अब in order to improve learning of children admitted in the age appropriate classes and bring them to the level of their classmates, there is a provision of, क्या provision है उसमें, remedial teaching का, special training का, मल्टीग्रेड टीचिंग का या ऑल ऑफ द अबव. हेयर द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे आपके. ओके, नाउ इनमें से कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, दैट नो टीचर विल एंगेज इन, टीचर्स किन चीजों में एंगेज नहीं होंगी. यहाँ पर अभी टू स्लाइड्स बैक वी डिड दिस, प्रोहिबिटेड क्या क्या चीजें हैं आरटीई में. टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, inflicting corporal punishment on children. Corporal punishment means marna, punishment dena bachcho ko, physical punishment. Gender ya social discrimination in the class ya all of the above. To isme dekhen, ye all are negative points related to children for education. So hence your answer. Isme common sense aap laga sakte hain, inme se koi si bhi cheez included nahi hai. That means all of the above is the correct answer. Means ye sab cheeze prohibited hain. In for education, in education system now. Next question is for class 7, there has been one teacher for every. Class 7 में कितने बच्चों पे कितनी टीचर होनी कंपल्सरी हैं. 30 children पे एक टीचर, 35 children पे एक टीचर, 20 children पे एक टीचर या फिर 25 children पे एक टीचर. I just told you, मैंने orally ही आपको बताया था that primary में 30 चिल्ड्रन पे वन टीचर एंड अपर प्राइमरी, दैट इज यहाँ पर सेवेंथ क्लास की बात हुई है, ये आपका अपर प्राइमरी में आ जाता है. हियर योर करेक्ट आंसर इज 35 चिल्ड्रन फॉर एवरी वन टीचर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ सीसीई, दैट इज, अच्छा अच्छा, यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दिस थिंग, चाइल्ड सेंटर्ड. Wait, let me just clear this thing. I will just clear it and okay. Fine. So it is clear now. Okay, now CCE ka full form kya hai? Child centered evaluation, continuous and comprehensive education, comprehensive and complete education, ya fir continuous and comprehensive education. Here the correct answer is continuous and comprehensive education. So hence this is your correct answer, that is option number 4. Now the last two questions, choose the correct one in accordance to the RTE. RTE ke under jo correct option hai wo aap choose karein. For curricular and evaluation process should kya hona chahiye, curricular and evaluation process. मेक चाइल्ड, बच्चे को डर और ट्रॉमा एंग्जाइटी से फ्री करना. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना जिसमें कि लर्निंग एक्टिविटीज भी प्रोवाइडेड हो. मीडियम जो होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, वो मदर टंग हो, जितना हो सके उसको मदर टंग ही रखें, या फिर ऑल ऑफ द अबव. दीज ऑल आर पॉजिटिव पॉइंट्स, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है रिलेटेड टू चाइल्ड एजुकेशन. हेंस हियर द आंसर विल बी योर ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. Now we come to the last question, that is as per the act ke according is act in the sense this RTE act, private and specified categories jo hain school ki, unke andar kitna provision diya gaya hai ki kitne percent bachche jo weaker section ya disadvantaged groups ko belong karte hain, kitne bachche usme include hone chahiye. 20%, 30%, 35% ya 25%. Here your answer is 25%. 25% बच्चे हर एक पब्लिक प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने जितने बच्चों का एडमिशन देता है उसमें से 25% वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी आप एडमिशन देंगे, दैट इज अंडर दिस आरटीई एक्ट.
ओके दिस इज फॉर नाउ, कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स सो दैट व्हेन यू आर डूइंग डिवीजन इट इज helpful for you. And please do comment me in the comment section that you want more such videos so that I can bring more, and you can suggest me what kind of videos I shall bring for you. Thank you so much. Take care everyone. Bye bye.